अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू वीडियो। माय नेम इज वकास। माय नेम इज मोहम्मद सदीक अवान। और मैं हूं मिसेस वकास। तो भाई लेकर आए हम आपके लिए एक और बहुत ही जबरदस्त वीडियो, तो उसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इसके अलावा जिस वीडियो पर हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका लिंक हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तो भाई अपने अपने रुमाल अपने साथ पकड़ लो, क्योंकि मुंह में आने वाला है पानी, क्योंकि हम देखने वाले हैं चिकन ऑमलेट यूज एग्स विद चिकन मीट। और ये जैसे बंदे को कुकिंग देखने से पहले यूज कुकिंग विलेज वालों की जो है वो वीडियो है, बड़ी जबरदस्त। अब ये देखते हैं कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, उसके बाद मैं करूंगा तुमसे फरमाइश। अब वो आधा रुमाल मुझे देना। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। कोली मोटा मुट्टा ही वो चिन्ने की फोन को आवला एला बुझे जा डांगडे आंडे आंडे முட்டையில கோழிய போட்டு ஆம்லெட் சமைக்கிறோம் சமைக்கிறோம் பேகர் மறுசிக்கிறோம் இன்னைக்கு ஒரு புட்டி எல்லாரும் வாங்க ஆல்வேஸ் வெல்கம் டு யூ ये क्या पहले नीचे पानी डाला है ना, स्टीम दे रहे हैं शायद। ये चिकन भी स्किन वाली है, स्टीम दे रहे हैं। हाय हाय स्टीम में गला दिया, ये गल गया है என்னப்பா அச்சா பிச்சு பிச்சு போடுறீங்க, முழுசா திக்கறா முழுசா திக்கறா ஓடு இது देखो வாவ் ஜபர்தஸ்த் ஆயிரம் வந்துடுறா எனக்கு ஒரு கரண்டி கொடுங்கடா देख रे स्टीम से ऐसे गल जाती है चिकन है ना, चिकन तो उसको भाप की जरूरत होती है। और हड्डियों पे कौन आता है? हेलो यहाँ पे काश वकाश होते हैं, मेरी तो मौज ही हो यार। वकाश के बच्चे மஞ்சள் ஆரம்பிக்கிறோம் அத்ராக் தேசி அத்ரக் சார், ये कमाल का चील है। ये देसी अदरक है, देखो हर चीज है ना प्योर, मतलब यूज हो रही है अच्छी। ये बकरी की आवाज नहीं, म्यूजिक म्यूजिक या कुछ जानबूझ के कर रहा है। शक्ल हाथ ना जूता मारो, नल्ला नहीं अच्छा लगता है। अदरक ये मिर्चों का पेस्ट है। हाँ वही जो जिसे दल मिर्चे कहते हैं। मुनक्कल कलो पे प्याज नहीं डाला है, डालेंगे वो भी डालेंगे जब जरूरत होगी। जबरदस्त शक्ल आ गई यार इसकी, देखो कलर जैसे वो अंडा नहीं बना होता, मान अंडा अच्छा बना। अब भी बनेगा, अब सही का चीज अब बनेगी ना। कितने अंडे डालने लगे हैं ये, पूरी क्रेट जाएगी सारी। चार क्रेटें, चार क्रेटें के दो हैं, एक एक सेट में तकरीबन मेरे तो 5-7 क्रेट है। वो देखो अंडे ही अंडे, मेरे ना अंडे अंडे सी आई क्या आई आई प्यारे लग रहे हैं, जर्दियां निकालेंगे इसकी। ओके चूत ना मुट्टे पुरे निकल गया।
நறுக்கின வெங்காயம் कच्चे में डाल दिया है पोटिया नरकने पच्चा मलाई ये क्या हरी मिर्च है मुनक्के ना मिलक तोल मुनक्के ना कल्लूप वधक्के ना कोली करे अब वो आ रहा है चिकन आर कह रहा हूँ की बारीकी से करते हैं इनकी ना कुछ चीज गिरती है ना कुछ अच्छा वेस्ट नहीं होता अच्छा आप इसको फेंट रहे देखो अरे ये तो बड़ी कोई कमाल की चीज लग रही है मुझे यार मैंने देखे तो बच्चों के लिए बना सैंडविच की चीज आप देखते हैं ना आगे क्या होता है इसीलिए तो दिखा रहे जब बनाओ बनाओ खिलाओ इनके लिए बड़ा मटी अच्छा ये तवे पे बनाएंगे बन गया ना पूरा मतलब चिकन ऐड कर दी इसमें नहीं यार लेकिन अलग तरीका है यार कड़ी पत्ता डाला और बहुत सारी चीजें अदरक लहसुन हम कहाँ डालते हैं नॉर्मल नहीं डालते मतलब ये क्या ऑमलेट ही बन गया ये नाश्ते के तौर पे यूज करते होंगे बच्चों को सैंडविच में रख के दे सकते हैं इसके अलावा रोल वगैरह स्कूल के लिए बना सकते हैं इसके मैंने बनाया हर चीज बर्तन वगैरह में ना बकास संतोष पहले शायद बनाया होगा चावल और वो चावल डब्बू जी ऐसी चीजें नहीं दिखाया करे विक्की दिल काबू में नहीं रहता फिर बेकाबू हो जाता है अबू अबू खींच रहे अबू गई अभी सब कुछ सर्व करेंगे देखिए हम अल्लाह ये किसी पोटे वोटे के लिए तो भाई वीडियो हो गई है यहाँ पे कंप्लीट यार अबू वैसे अच्छा वीडियो में आगे बात करने से पहले ना मैं तो एक बात करना चाहूंगा वो ये कि जब इनकी वीडियो शुरू होती है ऐसा नहीं लगता जैसे लड़ाई की तैयारी शुरू इनकी लैंग्वेज ऐसी है ना जैसे जंग की तैयारियां और जोर जोर से बोलना
और बात भी ऐसी कर रहे हो तो वो बता रहे हो तो अपने मिसालें वगैरह पर ऐसे रहते हो, कमेंट्री होती है जैसे आप क्रिकेट देख रहे हो या हॉकी, आगे पीछे सनाउल्लाह हबीबुल्लाह वो बाबा जो है वो कप्तान है। सही बात यार, बाकी चीज बड़ी भाई कब तुम खिला रही हो, बड़ा टाइम हो गया यार घर में इस तरह की चीजें खाए में, बाहर से बंदा खाता रहता है। इनको तो कोई वीडियो देख लो बन के यही होती कब खिला रही हो भाई, कब खिला रही हो, बस खाने से मतलब है भाई, ऐसी ही देना दिखाया भाई। देखो इंसान जीता खाने के लिए है ना, खाने से जी रहा है, दोनों चीजें मिली हुई है आपस में। छोड़ो यार अब तुम ऐसे ही हो यार, तुम्हें कोई चीज दिखाओ तुम यार, छोड़ो तुम दोनों ऐसे ही हो, कुछ आगे बात करो तो आप आगे बताओ ना अभी आपने ये बात ये है, बात कुछ भी नहीं है के ये बात कुछ भी नहीं है, एक समझने की चीज है। देखे गरीबों के लिए ये करते हैं ये तुम समझ में आ रही और कितनी दुनिया इसमें इन्वॉल्व होगी, बेचारे तो सिर्फ पकाने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है जब हम देखते हैं ना कि बड़े लाचार किस्म के लोग इस तरीके से खा रहे होते हैं। वो एक ने देखा था कैसे वो लपेट के अपने बाबा जी पता नहीं अपने पोती पोते के लिए नवासे के लिए या शायद बाद में खाने के लिए, बाद में खाने के लिए उसने वो पेड़ा जेब में रख लिया। मतलब अच्छी इनकी वीडियो काफी अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। और अच्छा सबसे बड़ा काम में सुथराई आप देखो, बहुत सफाई, बहुत। अच्छा मैं आपको एक मजे की बात और बताऊं इनके बारे में अब्बू, पेड प्रमोशन होती है ना, पेड प्रमोशन मुख्तलिफ ब्रांड्स की। अब इनका चैनल है मेरे ख्याल से 27 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं इनके, 27 मिलियन कम नहीं होते, 2,70,00,000 सब्सक्राइबर, ठीक है। अगर ये पेड प्रमोशन लें तो इन एक एक पेड प्रमोशन के ये 5-5, 6-6 लाख रुपए ले सकते हैं महीने में। इनकी आती हैं गालिबा 4-5 वीडियोज़ आती हैं, हर हफ्ते में 1 या 2 वीडियोज़ कुछ इस तरह आती हैं। तो लेकिन ये पेड प्रमोशन नहीं करते हैं, ये जो भी करते हैं ना, या तो लोग इनको डोनेशंस देते हैं जैसे एंड में नंबर वगैरह आ रहा था ना, या फिर जो इनके चैनल की इनकम होती है ये उसी से सारा काम कर रहे होते हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम चला बारा जी, इंसानियत की खिदमत ही वो सबसे बड़ी चीज है जी। अगर इंसान के अंदर खिदमत का जज्बा हो, इंसान से मोहब्बत का जज्बा हो, देखो मस्जिद में और मंदिर में अंदर जाने का ज़्यादा फायदा नहीं है जितना बाहर के लिए सोचना। अगर मस्जिद और मंदिर के अंदर चला गया, बाहर की फिक्र नहीं है, तो शायद वो मेरा ख्याल है मेरे सबको इबादत नहीं है कि उसको मस्जिद के अंदर मंदिर के अंदर जाने की तो फिक्र है, लेकिन ये फिक्र नहीं है बाहर क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, कौन भूखा है, कौन नंगा है, कौन क्या है। तो भाई फिर उसे सब पे नजर डाल, घर में ही बैठे बेहतर है। तो बात यह है कि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी इबादत, सबसे अफजल तो मैं यही समझता हूँ, किसी भूखे का पेट भर जाए, किसी लाचार बेबस का पेट भर जाए, उसका तन ढाप जाए, तो इससे बड़ी इबादत और कुछ नहीं है। चलें जी, खैर हम वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। इस उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ, हाफिज़।